देवास जिले की खातेगांव पुलिस ने 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची के अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी ने गमछे से गला दबाकर मासूम को मौत के घाट उतार दिया था और अपना गुनाह छुपाने के लिए शव को सीमेंट की बोरी में छुपाकर फरार हो गया था। जहां बागड़ी कॉलोनी स्थित संजय यादव के नवनिर्माण मकान में 10 वर्षीय बच्ची का संदिग्ध शव मिला था। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के आला अधिकारी जहां मामला दर्ज कर घटना की तफ्तीश में जुट गए तो वहीं मासूम बच्ची की हत्या का आरोपी और कोई नहीं बल्कि पहले मकान में काम करने वाला गोली उर्फ नरेंद्र निकला, जिसने पहले तो 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची को बहला फुसला कर ले गए और उसके बाद गमछे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपना गुनाह छुपाने के लिए शव को सीमेंट की बोरी से ढककर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। कल करीब शाम को 7 बजे थाना खातेगांव के बागड़ी कॉलोनी से यह सूचना आई थी कि एक 10 वर्षीय बालिका की एक नवनिर्मित भवन में उसकी लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी महेन परमार अपनी टीम के साथ और एसडीओपी ज्योति उमट मौके पर पहुंची थी और मैं भी एफएसएल अधिकारी के साथ मौके पर पहुंचा था। पुलिस अधीक्षक भी आए थे। जब पूरी विवेचना की गई तो यह तथ्य सामने आया कि उसमें जो काम करने वाला पूर्व में उस मकान में जो काम करता था गोलू उर्फ नरेंद्र बलाई, उसके द्वारा यह कृत्य किया गया है और गला घोटकर उस बालिका की उसने हत्या की है, जो उसने मौके पर कबूल भी कर लिया और हमने उसको गिरफ्तार भी कर लिया। रात्रि में ही हमने डॉक्टरों की टीम से मृतका का पीएम कराया है। हमने धारा 302-201 का अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी को गिरफ्तार किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद जो भी उसमें और नए तथ्य आएंगे उस हिसाब से हम उसमें आगे कार्रवाई कर वैधानिक। ये चूंकि डॉक्टरों की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है और जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तथ्य आएंगे उसके हिसाब से ही आगे हम कुछ कर सकते हैं और उसमें धाराएं हम पढ़ेंगे। डॉक्टरों ने गला घोट से जो 60 PM रिपोर्ट हमको दिया है उसमें गला घोट से उसको मारने की पुष्टि की है और इसी तथ्य के आधार पर हमने 302-201 का अपराध पंजीबद्ध। केवल यही है मिस्त्री जो कि वहां चश्मदीद साक्षियों के द्वारा भी ज्ञात हुआ और घटना में भी इसने अपना गुनाह कबूल किया है। तो आरोपी नरेंद्र उर्फ गोली बलाई ही है। ये चूंकि वहां काम करता था, आता जाता था, वहां उस मोहल्ले में इसका आना जाना था और भी जो वहां पर मजदूर और मिस्त्री लोग थे उनका यहां उठना बैठना था, इसलिए उस मोहल्ले में यह ज्ञात व्यक्ति था और किसी को ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि यह इस तरह दुष्कृत चरित्र वाला व्यक्ति है। और चूंकि जब इस तरह की घटना होती है तो एक केवल आदमी मौके को ढूंढता है और उस अवसर को पाकर उसने इस कृत्य को किया है, जो चश्मदीद साक्षियों के कथनों से जो सिद्ध भी हुआ है। वहीं बेटी की हत्या करने वाले आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। आपको कब से गायब थी? सब दूर मोहल्ला में ढूंढ ली, इधर भी और इधर भी जी। उसके बाद में ये आंटी जी ने बोली कि छत पे थी तेरी छोरी, है क्या आज जी तो छोरा के साथ। अच्छा, क्या नाम था छोरे का? गोलू। गोलू तो ये। अच्छा, कितने दिन से आना जाना था उसका? 6 महीना से। अच्छा, अपने घर भी बैठता था आता था? अच्छा, साइट में बैठता था, साइट में उनका मजदूर। क्या लग रहा आपको, मतलब ये जो हुआ है इसमें क्या स्थिति, क्या लग रहा आपको, क्या हुआ है? किसी पे शक? एक गोलू मेरे को कहे सर। हाँ। कौन से क्लास में थी? 5वीं यूनिकेट। आप कितने बच्चे हैं? 3। एक गुड़िया एक ही थी? हाँ, एक ही थी। अच्छा, आप कहाँ थे उस समय जब बच्ची गुम हुई? मैं बाहर इट के उठी थी बच्चा उनको लेके, जब उठी मैंने, जब मेरे को पता लगे, जब ये आंटी जी ने बोली। लगभग घटना कितनी बड़ी घटना है ये साहब? मेरे को ये नहीं मालूम, वो तो रात में 3 बजे करीब सो गई थी। हाँ। दो बच्चे, एक पागल है हमारा बालक। अच्छा, आपकी बच्ची थी? हाँ जी। 5:30 बजे मेरे पास फोन गया, मैं होटल पे काम करता हूँ जी, तो इनने फोन गया तो मैं आया, एक मजदूर आया मेरे साथ मुकेश नाम का, हम दोनों आए यहाँ पे, गाड़ी खड़ी करी सामने, यहाँ से फिर हम उतरे तो इनसे पूछा कि कहाँ कहाँ ढूंढ लिया, तो इनने बोला मैंने सब कॉलोनी में ढूंढ लिया और आंटी जी बोल रही कि ये छत पे थी वो। तो फिर मैं जाके देखा, इधर से घुसा इस कमरे से तो इधर नहीं मिले, इस कमरे में ऊपर नहीं मिले, उस कमरे में नीचे ढूंढा, फिर उस कमरे में ऊपर चढ़ा तो इससे दूसरे नंबर वाले कमरे में मेरे को लड़की एक ऐसा छोटी सी गली है उसमें ऐसे सरिये है जाल के, उसके ऊपर पड़ी हुई मिली जिसपे एक सीमेंट की ऐसी बोरी ढकी हुई थी और उसके कपड़े इससे नीचे थे करीब, और उसके मुंह में से ये नाक में से खून निकल रहा था, यहाँ से गला बंधा हुआ था। इसके बाद पुलिस को सूचना करी तो मेरे सेठ ने करी, यहाँ से उनको जैसे ही पता लगा। फिलहाल नाबालिग बच्ची की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। वहीं मासूम की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
खातेगांव से सत्तार खान की रिपोर्ट।